Let's talk about solar eclipse. When the sun, the moon and the earth comes in a straight line, with the moon in the middle and the shadow of the moon may fall on the some position of the earth, then a solar eclipse can be seen from these areas on the earth. देखो बच्चों, सोलर और लूनर एक्लिप्स दोनों के लिए कंडीशन सेम है कि सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. लेकिन चेंज कहाँ पर आता है? चेंज मिडल पोजीशन में आ रहा है. लूनर एक्लिप्स में मिडल पोजीशन पर अर्थ प्रेजेंट थी, लेकिन सोलर एक्लिप्स में मिडल पोजीशन पर मून प्रेजेंट है. जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो हमें अर्थ के कुछ प्लेसेस पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है. इसको हम फिगर की हेल्प से क्लियर करते हैं. फिगर में सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में दिखाए गए हैं. सन की लाइट है जो वो मून के ऊपर पड़ रही है, और मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से मून की जो शेडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ रही है. और आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि अर्थ के ऊपर सी रीजन दिया है. इस सी रीजन वाले एरिया की लाइट को मून ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर लिया है. ऐसे एरियाज़ में हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है. अब आपको अर्थ के ऊपर रीजन ए और बी दो रीजन नज़र आ रहे हैं. इन एरियाज़ में मून सनलाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मून का साइज़ अर्थ के साइज़ से बहुत कम होता है. इसी वजह से हमें रीजन ए और बी में पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा.